बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। विपक्ष का जिससे पहले यूपीए कहा जाता था, अब वो यूपीए वाला गठबंधन इंडिया बन चुका है। हाल ही के अंदर बैंगलोर में एक बैठक हुई थी और इस गठबंधन का नाम इंडिया दिया गया था। इस गठबंधन के अंदर कुल मिलाकर 26 राजनीतिक दलों के शामिल होने की बात सामने आई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, आरएलडी, नीतीश कुमार की पार्टी, तेजस्वी यादव कुमार की जो पार्टी, समाजवादी पार्टी और इसके अलावा कई सारी राजनीतिक दल जो है वो भी इसमें शामिल हुए। इस इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी या फिर कोई प्रमुख तौर से बड़ा नेता दलित मुस्लिम का नहीं है। इस मामले को लेकर हाल ही के अंदर दलितों के कद्दावर नेता और बाबा साहब अंबेडकर के वंशजों में से एक प्रकाश अंबेडकर ने भी अपनी राय रखते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन में दलित और मुस्लिम समाज की और आदिवासी समाज की प्रमुख रूप से भागीदारी नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ इस वक्त प्रकाश अंबेडकर का गठबंधन है और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रकाश अंबेडकर ने यह आरोप लगाया कि यह इंडिया वाला जो गठबंधन है इसके अंदर दलित पिछड़ों की कोई भागीदारी नहीं है। खास तौर से उन्होंने दलित और अल्पसंख्यकों का नाम लिया। इस मामले में अगर आप देखने की कोशिश करें तो दलितों का तो कोई बड़ा नेता इस पूरे गठबंधन में आपको बता दें कि मौजूद नजर नहीं आता। अब खबर यह मिल रही है कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने पिछले दिनों ही इसी महीने के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन यह भी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी उन तमाम राज्यों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं चाहती। इसके लिए उन्होंने इस तरीके का साफ स्टेटमेंट है वो क्लियर कर दिया, क्योंकि इन राज्यों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गठबंधन की संभावनाएं पनप नहीं रही है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी हर बार अपना खाता खोलती है या फिर अपना अच्छा खासा वोट प्रतिशत लेकर आती है और बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन में जाकर उन्हें गंवाना नहीं चाहती है। वहां पर रीजनल पार्टियों के साथ अगर गठबंधन की कोशिश हुई तो बीएसपी जरूर करेगी, लेकिन नजर नहीं आ रहा। लोकसभा चुनाव अभी काफी दूर है और बहुजन समाज पार्टी जनवरी और दिसंबर के अंत में और जनवरी के शुरुआत में गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर किया जा सकता है, ऐसी खबरें आपको बता दें कि तेज है। सबसे बड़ी बात यह भी निकल कर आ रही है कि अगर इंडिया जो गठबंधन है विपक्ष का, अगर इसमें चंद्रशेखर आजाद को भी सम्मिलित किया जाता है तो फिर एक दलितों का बड़ा प्रतिनिधित्व देखने को मिल सकता है। अगर चंद्रशेखर आजाद को नहीं शामिल किया जाता तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी या तो इंडिया गठबंधन पर दलितों को लेकर निशाना साध सकती है या फिर इंडिया गठबंधन में किसी भी प्रकार की उनकी नजर जो है इंडिया गठबंधन की अगली होने वाली मुंबई की जो बैठक है उस पर टिकी हुई है। इंडिया गठबंधन का जल्दी मुंबई में एक बैठक होगा और दिल्ली के अंदर उसका कार्यालय बनाने की बात है वो लगातार सामने आ रही है, लेकिन जो कुछ भी हो लोकसभा चुनाव ठीक 2024 में है और 2024 से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। अब आगामी दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से और कैसे इन पार्टियां मजबूती से आगे बढ़ेगी। मिलेंगे किस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आप चले थे विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना।